हेलो गाइस, सो सभी जनरल इन्फॉर्मेशंस के बाद अब हम फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं. सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेल इंजरी. फर्स्ट मैनिफेस्टेशन किसी भी डिजीज में फर्स्ट चीज सेल इंजरी होती है. ओके, सो लेट्स बिगिन. और फर्स्ट रुडोल्फ फिशो विच इज़ फादर ऑफ पैथोलॉजी और सेल बायोलॉजी. रुडोल्फ विशो 150 ईयर्स अगो स्टेटेड दैट डिजीज बिगेन्स एट द सेल्युलर लेवल. दिस इज एस्टेब्लिश सिंस देन बाय प्रोग्रेस मेड इन मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी. नेक्स्ट, टुडे अल्सो इट इज ट्रू ऑल फॉर्म ऑफ इंजरी कमन्स विद मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर चेंजेस इन द सेल्स. फर्स्ट मॉलिक्यूलर देन स्ट्रक्चर चेंजेस होती है सेल्स में. Then normal cell lives in hostile environment in a state of striking disequilibrium with its external environment. Calcium concentration within and outside of the cell 10,000 times difference. Outer ka calcium concentration inner se 10,000 times jyada hota hai. Wo ek example diya hai. The plasma membrane of cell maintain ionic composition against large chemical gradient between intra and extracellular component by selective permeability. Plasma membrane की एक selective permeability होती है, उससे वो maintain करती है. Normal cell also maintain a state of homeostasis. What is homeostasis? वो हमने आगे देखा था. It constantly modify its structure and function in response to changing demand and stresses. It can undergo adaptation and acquire a steady state and preserve its health. Example, bulging muscles of race horses. सेलुलर रिस्पॉन्स कॉल दे हाइपरट्रॉफिक. किसी भी बल्ज होता है, जैसे हम जिम में जाते हैं और अपने मसल्स बाइसेप्स बनाते हैं, वो भी वन टाइप ऑफ हाइपरट्रॉफी. एट्रोफी, हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया, अदर एडेप्टिव रिस्पॉन्स, वो सब आगे आपको डिटेल्स में आएंगे. नेक्स्ट है, इफ़ नो एडेप्टिव, ये सब एडेप्टिव रिस्पॉन्स होते हैं. अगर एडेप्टिव रिस्पॉन्स नहीं, इज़ नॉट पॉसिबल और एडेप्टिव कैपेबिलिटी इज एक्सीड, मतलब वो बढ़ जाती है. सो सीक्वेंस ऑफ रिट्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव चेंजेस टू स्टेप बैक. रिट्रो मीन्स स्टेप बैक, ग्रेसिव मीन्स बैक. रेट्रोग्रेसिव मीन्स टू स्टेप बैक. फॉलो कलेक्टिवली नोन एज सेल इंजरी. प्रीवियसली वो डीजनरेशन से जाना जाता था, लेकिन अब न्यू टर्मिनोलॉजी में उसे सेल इंजरी बोला जाता. सो वॉट इज सेल इंजरी? इफ नो एडेप्टिव रिस्पॉन्स इज पॉसिबल और एडेप्टिव कैपेबिलिटीज एक्सीड, सिक्वेंस ऑफ रिग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव चेंजेस फॉलोड कलेक्टिवली नोन एज सेल इंजरी. विद इन सर्टेन लिमिट्स इंजरी इज रिवर्सिबल. अगर सभी जो कॉजेज है सेल इंजरी के वो रिमूव हो जाता है, तो सेल इंजरी मतलब नॉर्मल पोजिशन में सेल आ जाता है, उसे रिवर्सिबल सेल इंजरी रिवर्सिबल बोलते हैं. मॉर्फोलॉजिकल चेंज ड्यू टू नॉन लिथल इंजरी. और अगर नहीं आता वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में, तो उसे इरिवर्सिबल बोलते हैं. पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. एडप्टेशन, रिवर्सिबल इंजरी, इरिवर्सिबल इंजरी एंड सेल डेथ आर प्रोग्रेसिवली एनक्रोचमेंट ऑफ सेल्स नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सेल इंजरी और डीजनरेटिव चेंजेस आर रिट्रोग्रेड और रिट्रोग्रेसिव चेंजेस ड्यू टू नॉन लिथल इंजरी इन विच प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज कन्वर्टेड बैक इन टू सब्सटेंसेस ऑफ इनर्ट नेचर. एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाटर एक्सेट्रा. सो एक मैंने चार्ट रेडी किया है. फर्स्ट होम्योस्टेटिक और स्टेडी स्टेट में होता है सेल, और उसमें सेलुलर एडेप्टेशन होती है. वो एडेप्टेशन अगर बैक चेंज उसका स्टेप बैक नहीं होता, रेट्रोग्रेसिव नहीं होती है वो, तो वो सर्टेन लिमिट तक रिवर्सिबल रहती है. और अगर रिवर्सिबल इंजरी सर्टेन लिमिट से पीछे नहीं हटती, स्टेप बैक नहीं करती है, मतलब नॉर्मल पोजीशन में सेल नहीं आता है और वर्स कंडीशन हो जाती है, तो वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी मीन्स पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में चली जाती है, और उसमें सेल डेथ और नेक्रोसिस हो जाता है. ओके, देन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफ सेल इंजरी फर्स्ट डेवलप एट बायोमोलिक्यूलर लेवल. दिस लीड टू स्ट्रक्चरल चेंजेस फर्स्ट एट अल्ट्रासेल्यूलर स्ट्रक्चर लेवल, देन माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड एट ग्रॉस लेवल. फर्स्ट बायोमोलिक्यूलर लेवल और स्ट्रक्चर एट अल्ट्रास्ट्रक्चर लेवल, देन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सेल इंजरी देखने को मिलती है, देन ग्रॉस. सबसे पहले अंदरूनी सूजन, जैसे अंदर इंजरी होती है, फिर उससे थोड़े ऊपर के लेवल पे, और देन लास्ट में ग्रॉस लेवल पे हम देख सकते हैं वुंड. देन सेलुलर रिस्पॉन्स टू इंजरी
depends on type, severity and duration of injury as well as the type of cell affected due to loss of blood supply. Now cell different cells differently react करते हैं injury को. जैसे example first है, nerve cell die, अगर injury होती है nerve cells को तो 3 से 5 मिनट में die हो जाता है. और cardiac, hepatic और renal cells 30 to 2 hours तक उसे resist कर सकते हैं. फिर skeletal muscle, fibroblast और epidermis घंटों तक उसे सहन कर सकते हैं. फॉलोइंग इंट्रासेलुलर सिस्टम्स आर एक्सपोज व्हेन सेल इंजरी अकर. फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, क्या क्या चेंजेस होते हैं सेल इंजरी के वक्त. सेल मेम्ब्रेन, फर्स्ट इंटीग्रिटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन फॉर आयोनिक और ऑस्मोटिक होम्योस्टेसिस. सेकेंड एरोबिक रेस्पायरेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और प्रोडक्शन ऑफ ATP वो डिस्टर्ब हो जाता है. सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स एंड स्ट्रक्चर प्रोटीन वो सिंथेसाइज होते हैं. फोर्थ प्रिजर्वेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ जेनेटिक एपरेटस ऑफ द सेल, प्रिजर्वेशन होता है. इंजरी एट वन साइड लीड टू वाइड रेंजिंग सेकेंडरी अफेक्टेड. फिर ये मैंने कॉजेज ऑफ सेल इंजरी सिर्फ लिस्ट बनाया. हाइपोक्सिया है फर्स्ट, मीन्स डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल, और उसे इस्केमिया से डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी. हाइपोक्सिया मीन्स डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल एट टिश्यू, और इस्केमिया मीन्स डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल एट ब्लड. सेकेंड केमिकल एजेंट, अल्कली एसिड वगैरह. इन्फेक्शियस एजेंट, बैक्टीरिया वायरसेस. न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, डेफिशिएंसी या एक्सेस. जेनेटिक डिफेक्ट हो सकती है, सिकल सेल एनीमिया. इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी. और फिजिकल एजेंट में मैकेनिकल ट्रॉमा, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट वगैरह. देन है कॉमन बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स, हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो.